साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुबोध रावत। साथियों, आज आशीष कुलकर्णी का एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है चेहरा। ये एक इंडो नेपलीज फ्रेंडशिप पे एक बेस्ड सॉन्ग है। आज हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सॉन्ग कैसा है, इसकी पिक्चराइजेशन कैसी है, इसकी सिंगिंग कैसी है। तो डिले नहीं करते हैं, सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। पहले सॉन्ग को सुनते हैं, फिर उस पर हम रिएक्शन देंगे। लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग फर्स्ट। इसकी शूटिंग नेपाल में हुई है साथियों। हिल्स आंखों ने जरा देखा जो तेरा दिल हुआ फिदा मुस्कुरा देखा जो तेरा दिल हुआ फिदा मुस्कुरा सबसे अलग है तेरे की खुशबू सब पे किया है तेरे मौसम ने उसको भी यकीन है नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसीन जिसने देखा एक नजर उसको भी यकीन है नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसीन फायर इमोशनल सीन है। वेडिंग का सीन है, क्वाइट टची, क्वाइट इमोशनल। पहाड़ों ने ओढ़ रखी बर्फीली चादर है हिमालय की चोटियों से बातें करता हूँ पहाड़ों ने ओढ़ रखी बर्फीली चादर है हिमालय की चोटियों से चमकती है तेरी जैसे संगे दिलों का सुकून देती हवा तेरी आसमान को है तीर जान मैचो मैन तेरे जैसा कोई दूसरा द गर्ल इज लुकिंग प्रेटी द बॉय is looking like kind of South Indian touch the way he is wearing that attire. Or is it a Nepalese dress? I think it's a Nepalese dress. Chakki reminding us the old days. Wow, I love the scenes. Scenes bahut acche hain, bahut pyare hain. This true Nepalese cap, by the way. Good song. तो साथी, जैसे कि आपने ये सॉन्ग देखा, मुझे इस सॉन्ग में काफी एक सूदिंग सी वॉइस लगी आशीष कुलकर्णी की। मैं आशीष कुलकर्णी के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। आशीष कुलकर्णी जब इंडियन आइडल में थे, इंडियन आइडल जो अभी ख़त्म हुआ है, उसमें जो चार मेल सिंगर्स थे, मैं चार मेल सिंगर्स में जब बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं पवनदीप की बात कर रहा हूँ, निहाल की बात कर रहा हूँ, आशीष की बात कर रहा हूँ और नचिकेत की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दानिश को और सवाई भाट को थोड़ा अलग रखूँगा। इसलिए अलग रखूँगा क्योंकि वो एक डिफरेंट लीग के और डिफरेंट जॉनर के सिंगर्स हैं, वो इनके जॉनर के नहीं हैं। ये जो हैं, जो एक इंडिया की जो प्लेबैक सिंगिंग होती है, टिपिकल हीरो पे जो एक्ट होते हैं जनरली, वो उन पे ये 4 फीट होते हैं। तो मुझे कहीं पे ये लगता था साथियों कि मतलब आशीष कुलकर्णी वो सिंगर हैं जिनकी जो वोकल रेंज थी वो काफ़ी हाई थी। हाई मतलब थी कि मतलब
कि वो काफ़ी स्मूथली और इजीली हाई रेंज में चले जाते थे। तो आशीष कुलकर्णी मुझे कहीं पे लगता है कि वो थोड़े अंडररेटेड सिंगर रहे हैं इंडियन आइडल में। उनकी सिंगिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो इस सॉन्ग में मैं अगर इस सॉन्ग की बात करूँगा तो उन्होंने मतलब एक काफ़ी सूदिंग वॉइस के साथ में इसको गाया है, और क्योंकि इस गाने को उन्होंने खुद कंपोज भी किया है तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी कंपोजिशन दी है यहाँ पे। और एक जो इंडियन और नेपलीज जो एक फ्रेंडशिप दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है तो वो भी मुझे इस सॉन्ग के थ्रू दिखी है। मुझे इस सॉन्ग में एक चीज़ की कमी लगी, कमी ये थी कि ये सॉन्ग अगर आपने देखा होगा इसमें पूरा एक हिंदी बॉलीवुड को दिखाया गया है। मतलब पिक्चराइजेशन डेफिनेटली इसकी नेपाल में हुई है, हम देख सकते हैं कि सारे सीन्स नेपाल के जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत अच्छी इसकी पिक्चराइजेशन इनफैक्ट काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब काफ़ी वास्ट जो रेंज होती है वो कवर करने की इसमें कोशिश की गई है। इसमें आपको स्नो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाए गए हैं, इसमें आपको लेक दिखाई गई है, इसमें आपको यू नो पहाड़ के जो खेत होते हैं वो दिखाए गए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। थोड़ा सा एक जो रूरल जो टच होता है पहाड़ों का वो भी दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे जो इसमें कमी लगी कि वो अगर इसमें कुछ वर्ड्स लिरिक्स में कुछ वर्ड्स अगर इसमें आप नेपाली के डालते तो मुझे लगता है कि ये सॉन्ग ना एक थोड़े डिफरेंट लेवल पे चले जाता। तो मतलब आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं आप कमेंट करके मुझे बताएं, स्पेशली जो नेपलीज जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसमें कमेंट करके बताएं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक जो नेपलीज जो टच होता वो और ज़्यादा आ जाता है सॉन्ग में, ये मुझे लगा यहाँ पे। अदरवाइज़ मुझे लगा कि आशीष ने एक अच्छा इसको कंपोज करने की कोशिश करी है और किया भी है। उन्होंने गाया भी इसको बहुत खूबसूरती से है और उनकी आवाज़ में एक मिठास मुझे दिखती है जो इस गाने पे भी मेरे को महसूस हुई है। तो मेरी तरफ से, और इसमें मतलब जो उन्होंने क्रेडिट दिया कहीं पे निहाल टारो का भी नाम लिखा है तो शायद वो वोकल प्रोडक्शन पे कहीं पे लिखा है, वो शायद निहाल ने इस गाने को नहीं गाया है जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो निहाल ने इस गाने को नहीं गाया है, आशीष ने ही इस गाने को गाया है, उन्होंने कंपोज भी किया है, लेकिन निहाल का कहीं पे इसमें कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन पे या म्यूजिकल प्रोडक्शन पे। साथ ही ओवरऑल मेरे को गाना मतलब एक अच्छा एक मेलोडियस गाना लगा, और मैं अपनी तरफ से मतलब अपनी पर्सनल तरफ से मैं आशीष को डेफिनेटली एक बेस्ट विशेस दूंगा उनके करियर के लिए। मुझे लगता है कि उनका करियर डेफिनेटली ब्राइट है, वो ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो वो डेफिनेटली आगे चल जाते रहेंगे। और बॉलीवुड में जैसे हम जानते हैं कि मतलब एक एंट्री लेना एक इजी गेम नहीं है, ये बहुत टफ गेम है। यहाँ पे बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, ना सिर्फ इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो उनकी अप्रोच भी बहुत बहुत हाई लेवल पे है। तो जब तक आप उस अप्रोच पे आप उस हाई लेवल पे नहीं पहुँचते तो आपको एंट्री इतनी ईजीली नहीं मिलती है। तो वो एक अच्छा एफर्ट आशीष ने यहाँ पे किया है। तो बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड टू आशीष एंड एंटायर प्रोडक्शन टीम, और जिस जो इनके लिरिक्स राइटर हैं उनको भी मैं वेल विशेज़ दूंगा, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। थोड़ा सा जो मैंने पहले बोला कि अगर इसमें नेपलीज वर्डिंग्स वगैरह भी डालते तो ये और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे सॉन्ग चले जाता। तो साथियों ये मेरा एक रिव्यू है सॉन्ग के ऊपर, एक अच्छा सॉन्ग है ये, मुझे अच्छा लगा, सूदिंग लगा, वॉइस सूदिंग है, एक नया एक रिफ्रेशिंग सी वॉइस है इसमें यहाँ पे। तो साथियों आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, आपको आशीष की सिंगिंग कैसी लगी, उनका म्यूजिक कैसा लगा, आपको पिक्चराइजेशन कैसा लगा इस सॉन्ग का, आप ये कमेंट करके बताएं। सो इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आपको जल्दी अपने एक नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबको मेरा गुड बाय, जय हिंद।